बायोपिक एक ऐसी बला है जिसको करने से पूरा का पूरा बॉलीवुड कतराता है। पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा आर्टिस्ट है जो जब बायोपिक करता है तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता बल्कि उसकी आत्मा को पूरा का पूरा अपनी शरीर के अंदर धारण कर लेता है। जी हाँ, सही पकड़े हैं आप, अपना हरियाणा का छोरा रणदीप हुड्डा। छोरे में एक अलग सी ही ताकत है वशीकरण करने की। जब सरबजीत की तो खुद को हूबहू सरबजीत बना लिया और अब स्वतंत्र वीर सावरकर। हमने रिसेंटली मैं अटल हूँ और सैम बहादुर जैसी बायोपिक्स भी देखी, लेकिन रणदीप की परफॉर्मेंस मक्खन है बॉस, और वो भी प्योर और डिलीशियस। पंकज त्रिपाठी और विक्की कौशल भी अगर ये फिल्म देख लेना तो उनको भी मोए मोए जैसा फील होने लगेगा उसकी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। बात परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज की हो या एक्यूरेट वेट की या फिर सावरकर के लुक से लेकर उनके एटीट्यूड की, रणदीप ने सब कुछ अपने एक्टिंग वाले डिजिटल तराजू पर तौल कर किया है, ना थोड़ा सा भी कम और ना थोड़ा सा भी ज़्यादा। फिल्म के विजुअल्स आपको गुलामी के उस दौर में धकेल देते हैं जहां थिएटर के चिल्ड टेम्परेचर में भी आपका खून क्रांतिकारी उबाले लेना शुरू कर देता है। सावरकर का सुरूर आपके दिलो दिमाग पर इस कदर छाया रहता है कि थिएटर से बाहर निकलकर गलती से भी अगर कोई अंग्रेज आपके सामने आ जाए तो आपके अंदर समाया क्रांतिकारी सावरकर बाहर निकलने को बेताब हो जाता है। तो समझे गुरु, बॉलीवुड में अगर बात बायोपिक की हो तो नो वन इज बेटर देन रणदीप हुड्डा। बंदे ने वजन भले ही 26 किलो कम किया हो सावरकर बनने के लिए, लेकिन जिगरा हजारों किलो का दिखाया है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो भैया, जिस फिल्म का सब्जेक्ट ही इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है कि छोटे मोटे डिस्प्यूट होना तो कन्फर्म है, मानो वहां अगर डिस्प्यूट ही किंग साइज हो जाए। 25% मुसलमानों के लिए 36% सीट, एक मुसलमान वोट 3 हिंदू वोट के बराबर होगा। ये मुसलमानों का हक है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनों से पहले मुसलमान हमारे आका थे। तो ऐसी डूबती नैया को फिर कौन बचाए? तो इस पहेली का हल है रणदीप हुड्डा, जिन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग के अलावा राइटिंग और डायरेक्शन का भी काम संभाला है और इस सब्जेक्ट को काला पानी की सजा होने से बचा लिया है। बचाने से याद आया, जैसे हमारे फ्रिज में थोड़ी 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 कई सारी सब्जियां पड़ी होती हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो हम सारी सब्जियों को मिला के मिक्स वेजिटेबल बना देते हैं। इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का कुछ वैसा सा ही हाल है। एक्चुअली सावरकर के अलावा इस फिल्म में कई सारी ऐसी चीज़ों पर फोकस किया गया है कि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में एक भटकाव सा लगता है। हालांकि इस फिल्म का म्यूजिक इतना पेसी है कि वो ऑडियंस को बांध के रखता है। लेकिन बॉस, फिल्म वीर सावरकर में हिंदू आइडियोलॉजीज की धार इतनी पहनी है। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं, अखंड भारत की, कि जो लोग इस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनके इमोशंस का कत्ल होना तो कन्फर्म है। इसलिए जो लोग भी इस फिल्म को देखने जाएं वो अपने शैटर्ड इमोशंस के लिए बैंडेज का सामान अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि रणदीप ने इस फिल्म में बर्नोल और बिटाडीन का इस्तेमाल ना के बराबर किया है। न्यू कमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डायरेक्शन के लिहाज से ये फिल्म उतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर इस फिल्म को किसी अच्छे राइटर और अच्छे प्रोफेशनल डायरेक्टर के साथ रणदीप हुड्डा जैसे डेडिकेटेड और पोटेंशियल एक्टर को लेकर बनाई जाती तो ये फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से भी बेहतर बायोपिक साबित हो सकती थी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। अगर आपको हिस्टोरिकल सब्जेक्ट देखना पसंद है तो आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, मगर एक शर्त पर कि फिल्म में दिखाए गए फैक्ट्स को आप थिएटर में बैठकर गूगल नहीं करेंगे, वरना इस फिल्म का बचा खुचा मजा भी खराब हो जाएगा। मूंगफली टॉकीज की तरफ से इस फिल्म को मिलती है 5 में से 3 मूंगफली।